हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है केजे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केजे हॉलीवुड में। दोस्तों, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने हमें राज फ्रेंचाइजी दी और साथ ही फिल्म दी हॉन्टेड 3D, जिनका कॉन्सेप्ट एक अलग ही लेवल पे है। और भाई साहब, राज फिल्म अगर आज मैं किसी बंदे को बता दूँ और वो देखे तो गाइज वो सच में डर जाएगा। आज भी उसके सीन्स इतने हॉरर्स है, ठीक है। तो गाइज अभी वो बंदा एक और फिल्म डायरेक्ट करता है और गाइज वो फिल्म रिलीज होती है OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है ब्लडी इज। भाई साहब, अगर इन दोनों मूवीज़ का अगर इस मूवी का मैं कंपैरिजन करूं राज से और हॉन्टेड 3D से, तो भाई साहब कण मात्र भी नहीं है यार। जहां पे गाइज डायरेक्टर का लेवल बढ़ता जाता है, वहां पे इनका लेवल गिरता जा रहा है यार। जिस बंदे ने राज फ्रेंचाइजी दी, जिसके सीन्स आज भी लोगों के दिल में हैं, दिमाग में हैं, वैसे सीन्स हॉरर होते हैं यार। और इस मूवी के अंदर उन्होंने क्या किया है, ब्लडी इसके अंदर आप लोग कहने को तो ये फिल्म हॉरर थ्रिलर फिल्म है, लेकिन गाइज हॉरर जैसा इस मूवी के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। गाइज इस फिल्म को रिलीज़ किया गया अभी Disney+ Hotstar पर और इस मूवी का जो रनिंग टाइम है वो 2 घंटे और 18 मिनट का है। और मुश्किल से गाइज आप लोग 2 घंटे और 18 मिनट तो इस मूवी को देखने नहीं वाले हो, मुश्किल से आप लोग इस मूवी को देखोगे 1 घंटा आप लोग देख सकते हो कैसे भी खींच तान करके, अगर आपके पास कोई मूवी और नहीं है तो, ठीक है। तो आप लोग इस मूवी को इस वजह से देखोगे। मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल है, एक लड़की है जो कि अपनी याददाश्त भूल जाती है। उसके बाद गाइस वो लड़की जिसे प्यार करती है, वो लड़का उसे एक ऐसे द्वीप पर ले जाता है जहाँ पे और कोई नहीं, और लड़की वहाँ पे कुछ हॉरर जैसा महसूस करती है। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो उस लड़की के आसपास घूमती रहती है। और गाइस हॉरर जैसा सीन तो आपको इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ के डाई हार्ड फैंस हैं तो गाइज ये फिल्म तो बिल्कुल भी मत देखिएगा यार। बात करें मूवी के स्टार कास्टिंग की, तो स्टार कास्टिंग में आपको देखने को मिलेगी अविका गौर, जिन्हें गाइज बालिका वधू से स्पेशली इस मूवी के लिए लिया गया है और उन्होंने इस मूवी से ही बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया है। दूसरे जो एक्टर है वो है वरदान पुरी। भाई साहब, इनकी एक्टिंग लेवल बहुत अच्छी है, एक्टिंग लेवल, परफॉर्मेंस और सब चीज़ें बहुत अच्छी है। इन्होंने पिछली फिल्म जो है इनकी ये साली आशिकी, उसके अंदर भाई साहब इन्होंने जो एक्टिंग की थी ना यार, वो ज़बरदस्त है। आज भी गाइज उनका वो स्क्रीन प्ले हम लोगों के दिमाग में रहता है। और गाइज वही कैरेक्टर, अगर मैं सोचूं कि यार वही बंदा यहाँ पे इस मूवी के अंदर एक्टिंग कर रहा है तो यार बिल्कुल भी अजीबोगरीब लगता है, ठीक है। अगर आप लोग एक अच्छी हॉरर फिल्म देखने का सोच रहे हो और आप लोगों ने गलती से हॉटस्टार पर जाकर ये वाली फिल्म देख ली है ब्लडी इश्क, तो गाइज मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी मत देखिएगा। मूवी आपको बोर करेगी, उल्टा डिप्रेशन में डाल देगी। हॉरर तो कुछ इस मूवी के अंदर है नहीं। अगर आप लोग फिर भी देखना चाहते हो, भाई वरदान पुरी की एक्टिंग लेवल के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो, विक्रम भट्ट डायरेक्टर के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो, तो गाइज आप लोग इस मूवी को जाकर Disney+ Hotstar पर देख सकते हो। हाँ गाइज, अगर ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती तो भाई साहब सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्म यही होती, क्योंकि गाइज आज के टाइम में बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्में रिलीज हो रही हैं ना भाई, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और गाइज वहीं पे इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ज़्यादा स्लो है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बोर करेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक तो इतना बेकार है यार, हॉरर मूवीज़ के अंदर ऐसे बेकार हो बैकग्राउंड म्यूजिक को इस मूवी के अंदर डाला गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग इस मूवी को ना ही देखें तो ही अच्छा है। और गाइज IMDb रेटिंग पूछ कर तो प्लीज़ यार बेइज्जती मत करो, IMDb रेटिंग तो इस मूवी की है ही नहीं, ठीक है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आप लोग वो Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है गाइज। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इस मूवी को मत देखिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।